तो फ्रेंड्स, ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको जो है बताया था कि किस तरीके से कहीं पे भी अगर पाइप चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है, मेजरमेंट लेके पाइप का लेंथ कितना रखना है, सब कुछ मैंने आपको जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, देखिए कि ये हमारे पास जो है इस तरीके का पाइप है। देखिए, एक यहाँ पे नीचे में पाइप है, ठीक है, ये वाला, और एक ऊपर में है, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको टेप से। तो ये देख सकते हैं लगभग 300-350 mm अप डाउन पे है पाइप, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से अगर हम देखें तो लगभग 300 mm तक है, ठीक है, अप डाउन। और ऊपर से अगर हम देखें तो ये देखिए, ऊपर से भी इतना डिस्टेंस है, मतलब लगभग कि ये 150 mm तक इसका डिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, देखिए दोनों दोनों पाइप जो है बिल्कुल सीधा है, ठीक है। ये इधर से आया है और ये इधर से आया है, तो इसी में हमें यहाँ पे 90 का बेंड लगा के और इसको जो है यहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो ये सब कैसे होगा, इसका मेजरमेंट कैसे लेना है, इसका फील्ड मेजरमेंट कैसे लेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो वीडियो को जो है आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका स्केच करता हूँ ताकि आपको समझने में जो है आसानी हो। तो ये जो हमारा पाइप है, ये हमारा ऊपर का पाइप है, ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे नीचे का पाइप है, ठीक है। तो अब यहां से यहाँ का जो हमारा पीस रहेगा उसका मेजरमेंट कैसे लेना है और इसको कैसे बनाना है, अभी मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। तो मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ये ऊपर का जो पाइप है आपको चेक कर लेना है कि ये राइट एंगल में है या नहीं, मतलब 90 डिग्री में इसका फेस है या नहीं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है, ओके। ये भी चेक कर लेना है और एक नीचे का भी। खैर, नीचे का नहीं चेक करेंगे क्योंकि अभी ये कटिंग हो सकता है अगर बड़ा होगा तो। तो ऊपर का आपको एक चेक कर लेना है, बराबर है या नहीं, बराबर नहीं है तो उसे बराबर भी कर लेना, ओके। अब यहाँ पे हम इसका मेजरमेंट कैसे लेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका जो है हॉरिजॉन्टल में कितना इसका डिस्टेंस है वो चेक करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम इस तरीके से प्लम यहाँ पे गिराएंगे, ठीक है। हमारे पास प्लम नहीं है तो मैं चेन का यूज कर रहा हूँ, आप प्लम यहाँ पे गिराएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लम है ये जो है इसमें टच होना चाहिए, ठीक है, ये फेस में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये पाइप थोड़ा सा डाउन है इसके लिए ऐसा हो रहा है, और ये देख सकते हैं लगभग हमारा पाइप जो है सीधा हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका मेजरमेंट लेंगे हम, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना हमारा डिस्टेंस आ रहा है। तो ये देख सकते हैं लगभग 45 mm आ रहा है, लगभग 50 mm आ रहा है, ठीक है, 50 mm है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कितना है, 50 mm है, ठीक है। और अब हम चेक करेंगे कि इसका सेंटर से इसका सेंटर तक का कितना डिस्टेंस है। तो वो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट जो है टेप से यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये पाइप का बिल्कुल नीचे में नहीं है, ये थोड़ा पीछे है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लाइन डोरी का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पे जो इस तरीके से लाइन डोरी यहाँ पे हमने बांध दिया, ठीक है, पाइप के टॉप में हमने बांधा हुआ है। आप चाहे तो इसको सेंटर में भी बांध सकते हैं, लेकिन टॉप पे बांधने से अच्छा रहेगा, ठीक है, मेजरमेंट जो है आपका बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं टॉप से टॉप चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए टेप को रखता हूँ लाइन डोरी के ऊपर में, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। तो देख सकते हैं लगभग जो है 250 mm आ रहा है हमारा, ठीक है, मतलब कि टॉप टू टॉप 250 mm आ रहा है, तो मतलब कि सेंटर टू सेंटर 250 mm हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 250 mm सेंटर टू सेंटर, 250 mm, ठीक है, ये पाइप का सेंटर और ये पाइप का सेंटर 250 mm। ऊपर से ऊपर आप चेक करेंगे 250 आएगा, सेंटर टू सेंटर चेक करेंगे उतना ही आएगा, या फिर पाइप का बॉटम से लेके बॉटम तक चेक करेंगे तो 250 आएगा, ठीक है। तो हमारा मेजरमेंट जो है मिल चुका है, टॉप से टॉप का मेजरमेंट हमारा 250 है, और इधर से इधर जो हमने चेक किया था हॉरिजॉन्टल वो 50 mm है, ये वाला देख सकते हैं, मतलब पाइप का जो एंड है फेस वहां से लेके यहाँ तक 50 mm है, और सेंटर टू सेंटर 250 है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि इसका जो पीस रहेगा वो कैसे बनाना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो नीचे का पाइप है इसको अभी कटिंग भी करना है, तो कितना कटिंग होगा अभी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो एल्बो लिया है, इसी से हम जो है अभी बनाएंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एल्बो का जो एल्बो सेंटर का जो रेडियस होता है वो हमें यहाँ पे निकाल लेना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे
इसका ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो देखिए 50 mm इसका डाया है, ठीक है, तो 50 mm इसका डाया है, तो ये कितना इंच हो गया, ये लगभग 1.5 इंच हो गया, ठीक है। इसका चार्ट अगर आपको देखना है तो आप फिटर की पूरी जानकारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें आपको पाइप का ओडी आईडी का जो चार्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 1.5 का ये हमारा इंच का एल्बो है, तो ये 1.5 इंच का एल्बो है, ठीक है। तो इसका एल्बो सेंटर अगर हम निकालेंगे तो 38.1 इंटू 1.5 कर देंगे इंटू 1.5, ठीक है, और इसको गुणा करेंगे तो जितना भी आंसर आएगा वो हमारा एल्बो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये हमारा जो स्टैंडर्ड नहीं है तो इसको हम जो है फिजिकली चेक कर लेंगे कि इसका कितना हमारा एल्बो सेंटर है। तो उसके लिए ऐसे चेक करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे आपको जो है लाइन डोरी यहाँ पे टॉप फेस में लगाना है, पकड़ना है और ऐसे यहाँ तक ऐसे लेके आना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको टेप से चेक कर लेना है। तो ये लगभग देख सकते हैं 60 mm तक ये आ रहा है, ठीक है। जब इसका आप एल्बो सेंटर निकालोगे तो जो है लमसम इतना ही आएगा, ठीक है। तो इसका लगभग ये 60 mm तक हमारा एल्बो सेंटर इसका आ रहा है, ठीक है, मतलब कि इसका एल्बो सेंटर है 60 mm। तो आपको भी ऐसे फिजिकली चेक कर लेना है, आप फॉर्मूले के भरोसे में ना रहें, ठीक है, कभी कभी ये बिल्कुल जो है गलत आ जाता है। उसका कारण एक ही होता है कि स्टैंडर्ड अगर आपका ये एल्बो नहीं रहेगा तो फिर अलग आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आपको चेक कर लेना है। तो लगभग मैं यहाँ पे 60 mm पकड़ लेता हूँ एल्बो सेंटर। अब देखिए यहाँ पे एल्बो सेंटर, यहाँ पे मैं ड्राइंग भी दिखा देता हूँ आपको, सेंटर और यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको ही एल्बो सेंटर बोलते हैं, जो कि हमारा है 60 mm, ठीक है, ये हमारा बेंड हो। तो हमारे पास यहाँ पे दो बेंड लगेगा, ठीक है, जैसे ये लाइन ऐसे है तो एक बैंड हमारा यहाँ लग रहा है, ठीक है, और एक बैंड यहाँ पे लग रहा है, दो बैंड लग रहा है, एक इधर और एक इधर, और बीच में हमारा पाइप रहेगा। तो दो बैंड रहेगा मतलब कि एक और एल्बो सेंटर यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, तो 120 mm हो गया एल्बो सेंटर, ठीक है। ठीक है, यहां से और इसका जो सेंटर है यहां तक है 60 mm, ओके, और इस एल्बो का भी है 60 mm, तो टोटल कितना हो गया, यहां से यहां है 60 और यहां से यहां है 60, मतलब कि इस पाइप से लेकर के, सॉरी, ये फेस से लेकर के इस फेस तक का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 120 mm, ठीक है, 120 mm। और सेम इधर का भी, जैसे इसको अगर हम इस पोजीशन में रखते हैं, फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल जो है डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको जो है बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो अभी मैंने हॉरिजॉन्टली चेक किया तो 120 mm आया, अब इसी को मैं वर्टिकल में आपको चेक करके दिखाता हूं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है हमारा 60 mm, ठीक है, सेंटर से, और इधर से भी इसका सेंटर लेते हैं तो ये भी 60 mm है, मतलब कि इस फेस से लेकर के ये जो सेंटर है इस फेस तक हमारा हो गया 120, ठीक है। अब यहां पे समझिए, ये हमारे पास पाइप है ऐसा, ठीक है, अभी इसका मैंने आपको यहां से यहां कितना डिस्टेंस बताया था, ये मैंने आपको बताया था 250 mm, है ना, आप देख भी सकते हैं पीछे में है यहाँ पे, ये देखिए ये है 250 और ये वाला कितना है 50 है, यहां से लेकर के मतलब कि जो पाइप का एंड से लेकर यहां तक 50 mm है, ठीक है। तो अभी हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, देखिए 120 आ रहा है ना, अगर हम वर्टिकल की बात करें तो 120 आ रहा है, जबकि हमें चाहिए कितना, 250 चाहिए, सेंटर टू सेंटर 250 चाहिए और हमारा आ रहा है 120, तो 250 में अगर हम 120 माइनस करते हैं तो कितना हो गया 130 mm, मतलब कि ये एल्बो और ये एल्बो के बीच में अगर हम 130 mm का यहाँ पे अगर हम पीस जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 mm, और जब यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये बिल्कुल मैच कर जाएगा, ठीक है। तो हमें तो ये पता चल गया कि जो हमारा वर्टिकल का जो पीस है उसमें हमें 130 mm का पीस जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इधर का,
ठीक है। तो इधर का हमारा डिस्टेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है 120 आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये पाइप है ऊपर का, और यहाँ पे है मान लीजिए नीचे का, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस आ रहा है 120, और हमारे पास है अभी कितना 50 mm ही है, ये देख सकते हैं आप 50 mm है। तो इसको हमें कितना करना पड़ेगा, 120 mm करना पड़ेगा। अभी है 50, हमें करना पड़ेगा 120, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 70। मतलब कि इसको अगर हम और 70 mm काट दें, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अभी हमारा है डिस्टेंस 50, इसमें और प्लस करेंगे 70, मतलब इधर से टेप पकड़ के इधर काट देंगे तो ये हमारा 120 mm हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं 70 mm पहले काट देता हूँ इसको। तो चलिए इसमें अब मैं मार्किंग करता हूँ 70 mm का, देखा उसे पहले, ठीक है। अब मैं इसको कटिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने जो है पाइप कटिंग कर दिया अभी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से चेक करके दिखाता हूँ। तो हमें चाहिए कितना 120, देख सकते हैं आप ये 120 अभी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये 120 अभी बराबर आ रहा है, और ये जो हमारा वर्टिकल का जो लेंथ है वो तो उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। और अब मैं वर्टिकल का पीस कटिंग कर लेता हूँ, मतलब कि ये वाला, ये देखिए 130 mm का जो हमारा वर्टिकल का यहाँ पे जो पीस लगेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे 130 का एक पीस कटिंग कर लिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एल्बो भी है और पीस भी रेडी है, ठीक है। अब हमें इसे असेंबल करना है, इसका फैब्रिकेशन करना है। तो नए लोग को जो है यहीं पे प्रॉब्लम, जिन्होंने कभी किया नहीं है, ठीक है, फैब्रिकेशन, तो उनको मालूम नहीं होता है। तो मैं अभी बताऊंगा कि किस तरीके से इसको असेंबल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पाइप को किसी ऊंचे जगह पे रखना है, ठीक है। मतलब ज्यादा हाइट नहीं, उतना ही हाइट जितना में आपका ये जो बेंड है वो लग जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने जो है पाइप को हाइट पे रख दिया है, ठीक है। मतलब हाइट कितना रखना है देखिए, ताकि बेंड अगर हम ऐसे लगाएं तो ये जमीन में टच ना हो, ठीक है। उतना हाइट आपको यहाँ पे करके रखना है। तो मतलब पाइप को रखने के बाद यहाँ पे आपको अब इसका स्पिरिट लेवल चेक कर लेना है, ठीक है। तो स्पिरिट लेवल तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, मैं मैच बॉक्स रख के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस पे रखना है और पाइप का लेवल जो है वो चेक कर लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल स्पिरिट लेवल में होना चाहिए, ठीक है। या अगर आपके पास स्पिरिट लेवल नहीं है तो यहाँ पे और दो ऑप्शन है आपके पास, आप क्या कर सकते हैं, वाटर लेवल का जो ट्यूब होता है वो ये वाला फेस से ये वाला फेस आपको चेक कर लेना है, ठीक है। या अगर वाटर लेवल ट्यूब भी आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको क्या करना है, ऐसे प्लम लेना है और प्लम से आपको ऐसे चेक कर लेना है फेस, ठीक है। ये दोनों जो है टच हो जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों टच हो रहा है, ठीक है। अगर गैप है तो आपको जो इसे टच करके और इसे बराबर कर लेना है, ठीक है, और आपको इसे बिल्कुल लेवल में रख लेना है, ओके। और अब यहाँ पे हम इसका बैंड लगाएंगे। तो बैंड लगाने के लिए आपको क्या करना है, तो बैंड लगाने के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पे एंगल का एक क्लिट मार देना है, ठीक है। आप एक मार सकते हैं या फिर यहाँ पे दो मार सकते हो, ठीक है, इस तरीके से एक इधर और एक इधर, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ही मारा है, और उसके बाद इस पे आपको ऐसे रख देना है बैंड को, और इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो इस तरीके से बैंड लगाने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, तो इसका भी आपको स्पीड लेवल चेक कर लेना है। यहाँ पे स्पीड लेवल रखना है ऐसे, ठीक है, और ये देख लेना है ये बराबर है या नहीं, ठीक है। इसको बराबर करने के लिए आप यहाँ पे जो है गैप कम ज्यादा करके इसको चेक कर सकते हैं। टाका जब आप इस पे मारोगे तो पहले एक ही टाका मारना, उसके बाद इसको जो है एडजस्ट करने के बाद ये जब बराबर हो जाए तो यहाँ पे इसको जो है टाका लॉक कर देना है पूरा चारों तरफ, ठीक है। या अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाला जो बैंड है उसको जो आप थोड़ा बहुत ग्राइंडिंग से इसको बराबर कर सकते हो, ठीक है। तो सेम आपको इधर में भी ऐसे ही बैंड लगाना है, लेकिन ये बैंड अब हमारा ऐसे नीचे की तरफ रहेगा ऐसे, ठीक है। तो उसको लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आपको ऊपर में क्लिट मार देना है, ठीक है, और उसके बाद इसको जो है ऐसे यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज आपको जो है बताना भूल गया कि जब आप स्पीड लेवल इधर से चेक करोगे तो आपको साथ ही साथ इधर से भी चेक कर लेना है, और इधर से भी बराबर होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर ये रोलिंग में हो जाएगा, तो रोलिंग में हो जाएगा तो थोड़ा सा जो है आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो इधर से भी चेक कर लेना, आपको स्पीड लेवल बराबर होना चाहिए, और साथ में इधर से भी ऐसे भी चेक कर लेना है, ठीक है। और सेम प्रोसेस आपको नीचे में भी करना है, ठीक है, नीचे में यहाँ पे ओवरहेड में ऐसे लगा के आपको इधर से देख लेना है और फिर इधर से ऐसे लगा के देख लेना है, ठीक है, दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। और फाइनली हमारा पीस जो है रेडी हो चुका है, अब इसको हम यहाँ पे इरेक्शन करके दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं बिल्कुल जो है मैच कर जा रहा है हमारा जो
पीस है, ठीक है, वो देख सकते हैं किस तरीके से मैच हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी बनाना है, और जो मैंने प्रोसेस आपको बताया बनाने के लिए बस वैसे ही आपको भी बनाना है, तो आपका जो पीस रहेगा वो बिल्कुल जो है आसानी से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में हम आपको जो है, अभी ये पाइप जो है ये बिल्कुल सीधा था, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा, ये ऊपर से अगर आप देखो तो ये बिल्कुल जो है सीधा जा रहा है, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम आपको अगर इस टाइप का अगर लाइन अगर जा रहा हो तो वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तो ऐसे सीधा गया, ठीक है, अभी ऐसे अगर जाएगा लाइन तो वो कैसे बनेगा 90 डिग्री में, उसके बाद मैं आपको फिर आगे बताऊंगा कि 45 डिग्री में या अन्य किसी डिग्री में अगर इस टाइप का अगर लाइन जाता है तो वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो यही था आज का हमारा वीडियो, आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और पाइप फिटर ट्रेनिंग का ये सेकंड वीडियो था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।